बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। अनिल शर्मा गदर का सीक्वल क्यों बनाने जा रहे हैं? क्या सनी देओल राजनीति से लेंगे संन्यास? गदर के सीक्वल के लिए किस नई एक्ट्रेस को साइन किया जा रहा है? गदर का बजट कितने करोड़ रखा गया है? गदर के सीक्वल का टीजर कब आने वाला है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग रात के फिल्मी गलियारे में। सनी देओल की फिल्म गदर 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी। इंडिया पाकिस्तान, मार धाड़, लव स्टोरी, धांसू डायलॉग्स जैसे मसालों को मिलाकर बनी ये फिल्म दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं थी। लेकिन इसे आज भी जबरदस्त कमाई करने के अलावा सनी देओल की गदर एक्टिंग और धांसू डायलॉग्स के लिए याद किया जाता है। बताया जाता है कि इस फिल्म को भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा देखा गया। आंकड़ों में समझे तो इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में कोई 5.5 करोड़ फुटफॉल्स हुए थे। अब अनिल शर्मा गदर का सीक्वल बनाना चाहते हैं और इसकी सीक्वल की कहानी पूरी हो चुकी है। इस फिल्म में फिर से सनी देओल गदर मचाते हुए नजर आएंगे क्योंकि फिर से देशभक्ति की फिल्मों का जमाना लौट आया है। वैसे भारत के देश के लोगों के बीच कभी देशभक्ति खत्म ही नहीं हुई थी, परंतु सवाल ये बनता है क्या गदर के सीक्वल को बनाना चाहिए? तो हम इस प्रश्न का जवाब अपने इस वीडियो के लास्ट में देंगे। गदर फिल्म से कुछ यादगार और दमदार डायलॉग्स जो आज भी याद किए जाते हैं और लोगों द्वारा सुने जाते हैं। एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे मेरे बच्चे को उसकी माँ से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। जब इस संवाद को सिनेमा घरों में लोगों ने सुना तो उनके रंगोटे खड़े हो गए थे और सनी देओल के लिए लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट बजानी शुरू कर दी। अशरफ अली, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। इस संवाद ने तो सनी देओल को भारत का सुपर हीरो बना दिया था। बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है, वरना अगर आज ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके छत पर तिरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलाबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। ये वो सब संवाद है जो आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। अगर मैं अपने बीबी बच्चे के लिए सर झुका सकता हूं तो मैं सबके सर काट भी सकता हूं। इस मुल्क से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, उनके ओठ और दिलों की धड़कने हमेशा यही कहती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या वो पक्के मुसलमान नहीं है? आदमी का सबसे बड़ा मजहब है अपनी बीबी और बच्चों की हिफाजत करना। इसके बाद तो ये वाला संवाद तो लोगों के सीधा दिल पर असर कर गया। ये मुल्क है कोई खेत का टुकड़ा नहीं जो यूं ही बढ़ जाएगा। जिंदगी कितनी ही बेरहम क्यों ना हो, जीना तो पड़ता है मैडम जी, जीना तो पड़ता है। मुझ गरीब पर रहम तुमने क्या किया, जो कुछ था मेरे पास सब लूट लिया। सनी देओल सिर्फ एक्शन के लिए ही नहीं जाने जाते बल्कि वो रोमांस के लिए भी जाने जाते हैं। आवाज में वो कड़कपन भी है तो उनका दिल मासूम सा भी है। उन्होंने बच्चों की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह गदर में प्रेम किया है और वो प्रेम देख करके लोगों के दिलों में फिर से रोमांस करने की एक चाहत जागी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सनी देओल एक बार फिर से गदर के सीक्वल में गदर मचाते हुए आपको नजर आने वाले हैं, लेकिन इस बार गदर के सीक्वल की कहानी कुछ अलग होगी क्योंकि सनी देओल नहीं चाहते हैं कि इस बार के सीक्वल में ऐसा कुछ दिखाया जाए जिसमें पाकिस्तान विरोध हो। उनका मानना है कि पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है और हमारा छोटा भाई है, हम उसके खिलाफ अब ऐसी कोई फिल्में नहीं बनाना चाहते हैं जिससे कि उनको लगे कि हमारे मन में उनके प्रति कोई द्वेष है। मैं सनी देओल की इस बात का सम्मान करता हूं और मैं भी चाहता हूं कि भारत में कोई ऐसी फिल्में ना बने जो पाकिस्तान के विरोध में हो या पाकिस्तान विरोधी फिल्में हो, क्योंकि कला की कोई जाति नहीं होती
और कला का कोई धर्म नहीं होता, ना ही कला का कोई मजहब होता है। कला तो सिर्फ इंसानियत और प्यार की बात करती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं कि गदर का सिक्वल जो बनने जा रहा है इसका टीजर आपको 2020 में देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपसे एक मेरा सवाल है कि गदर के सिक्वल में किस हीरोइन को कास्ट किया जाना